नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विक्ट्री ऑफ IS 20 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत में बाघों के बारे में, यानी कि टाइगर इन इंडिया। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये हमारे UPSC के GS पेपर 3 के एनवायरमेंट खंड से संबंधित है, और दोस्तों अन्य एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर बाघ संगणना 2018 की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। तो चलिए पहले हम इस रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। देखिए, प्रतिवर्ष 29 जुलाई को बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस? 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ठीक है। और दोस्तों, इस बाघ दिवस की शुरुआत सन 2010 में हुई थी, यानी कि 2010 में सर्वप्रथम बाघ दिवस मनाया गया था। और किस तरह का बाघ दिवस मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय, ना कि राष्ट्रीय, ठीक है। तो 2010 में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुरुआत की गई थी, जो लगातार 29 जुलाई को मनाया जा रहा है। अब देखिए, वर्तमान में भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, रूस, थाईलैंड तथा वियतनाम सहित कुल 13 देश इस बाघ संरक्षण परियोजना में शामिल हैं। कितने देश शामिल है बाघ संरक्षण परियोजना में? 13 देश, ठीक है। और इसमें भारत भी शामिल है, ठीक है। और भारत के 5 पड़ोसी देश, यानी कि 4 पड़ोसी देश, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन और म्यांमार, ये भी इस परियोजना में शामिल है, ठीक है। और इसके अलावा जो दक्षिण पूर्वी के देश हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया के, जैसे इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, ठीक है, तो ये भी कुल मिलाकर 13 देश इसमें 13 देश इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, भारत का पश्चिमी घाट, यानी कि देखिए जो दक्षिण में भारत का पश्चिमी घाट पर्वत है, ठीक है, तो पश्चिमी घाट लगभग 724 बाघों की संख्या के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सघन बाघ आबादी वाला क्षेत्र है, और संख्या कितनी है? 724। तो इसको आप लोग याद रखिए। अब देखिए, बाघों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अगर भारत में देखी जाए बाघों की संख्या, तो सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कितनी है बाघों की संख्या? 526, ठीक है, 526 मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या है, जो कि भारत में सर्वाधिक है। और दूसरे स्थान पर दोस्तों आता है कर्नाटक, कर्नाटक में 524 है बाघों की संख्या। और तीसरे स्थान पर है उत्तराखंड, उत्तराखंड में कुल बाघों की संख्या है लगभग 442, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिए, बाघों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है, और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है, और दूसरे नंबर पर है कर्नाटक, जहां पर बाघों की संख्या 524 है। तो इसको आप लोग याद रखिए, ये वन डे एग्जाम में और किसी भी एग्जाम में, जो कि वन डे एग्जाम है, उसमें पूछा जा सकता है। तो इसको आप लोग याद रखिए। अब दोस्तों देखिए, थोड़ी और है। देखिए, इस रिपोर्ट में 3 टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये जो रिपोर्ट 2018 में बाघों की प्रस्तुत की गई है, इस रिपोर्ट में 3 टाइगर रिजर्व, यानी कि बुक्सा टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिम बंगाल में है, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। और डम्पा टाइगर रिजर्व जो कि मिजोरम में स्थित है, डम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मिजोरम में। और पलामू जो कि झारखंड में स्थित है, पलामू टाइगर रिजर्व जो कि झारखंड में स्थित है, इनमें बाघों की कोई उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है, यानी कि इन तीनों टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिए। अब दोस्तों चलिए देखते हैं बाघ संरक्षण के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियां। देखो, हम लोग बाघों का संरक्षण करते हैं, तो बाघ संरक्षण करते समय कुछ चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, कुछ कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी
प्रमुख कठिनाइयां हैं? देखिए, पहली तो यही है कि बाघों के निवास स्थान तथा शिकार स्थान छोटे होने के कारण, जो बाघों का निवास स्थान है और उनके जो शिकार करने का, यानी कि जो बाघ शिकार करके अपना भोजन खोजते हैं, तो वो स्थान काफी छोटा है, ठीक है। और वो स्थान छोटा होने के कारण हमेशा मानव और वन्य जीव संघर्ष होते रहते हैं, ठीक है। तो ये एक बाघ संरक्षण के समक्ष उत्पन्न प्रमुख चुनौती है, ठीक है। और दूसरी है, बाघों के निवास को मानव गतिविधियों द्वारा नष्ट किया जा रहा है। आप लोगों को पता है कि बड़े बड़े जंगल काटे जा रहे हैं लोगों के द्वारा, और जंगलों को काट कर वहां पर खेती की जा रही है, ठीक है। तो जंगलों को काटने से जो बाघों के प्राकृतिक निवास स्थान है उनको नष्ट किया जा रहा है। तीसरा है, कुछ टाइगर रिजर्व में अतिरिक्त बाघों के लिए आवास स्थान उपलब्ध नहीं है। कुछ टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जहां पर बाघों की संख्या अधिक होने के कारण वहां पर उत्पन्न होने वाले और अन्य बाघों के लिए स्पेशल जगह नहीं बची है, उनके लिए कोई प्राकृतिक आवास नहीं बची है, और यह भी बाघ संरक्षण के समक्ष उत्पन्न एक प्रमुख चुनौती है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक रहेगा, और दोस्तों यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारे एनवायरनमेंट खंड से जीएस पेपर 3 से जुड़ा है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, और जो अन्य भी एग्जाम है, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, ठीक है, और पुलिस का हो, एसआई का, ठीक है, कि जिसमें जीएस पूछा जाता है, तो यहाँ से प्रश्न आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है। तो इसको आप लोग थोड़ी अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। तो चलिए।